इनसे मिलिए, ये हैं पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाली भोली। भोली दिखने में जितनी सरल लग रही हैं, असल में इनकी जिंदगी का संघर्ष उससे कई गुना ज्यादा है। अपने पिता और भाई की मौत के बाद भोली के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो भोली ने 14 साल की उम्र में तांगा चलाकर अपने घर चलाने का निश्चय लिया। इधर भोली ने अपने पिता का तांगा चलाना शुरू किया और उधर लोगों को बातें बनाने का एक नया विषय मिल गया। अड़ताली साल मेरी उम्र आटा चलाने का काम इतना शुरू किया भी मेरे दो भरा ही पांच ही भैन ही एक मेरी भतीज ही भरा मेरे दोनों छे छे महीने का साल साल का गैप पिया पूरे हो गए। पापा जी मेरे रह गए, पापा जी तो साल बाद फिर पापा जी पूरे हो गए। 14-15-16 साल के मैं टांगा 16-14 साल के मैं शुरू किया। मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं, कोई साधन नहीं साढ़े घर पर, कोई साढ़े घर कोई 10 रुपये जरा बहरों कमा के लिया। अं बहुत मैं अं टुट गए शामा अं बैठे होंगे तो कहते होंगे भी पता नहीं साढ़े घर कौन आएगा कमाएगा। मैं एक दिन पट्ठे लैन चल गई टांगा, जो कि बहर हड़ताल ही उ मैं गई हाँ, तो सवारियां मैंने जोड़े दियाँ मिल गई ने। मैं दो तीन गेड़े अप डाउन कढ़े आ तो मैं घर गई हाँ, तो मेरी माँ ने मेरे चपेड़ मारी बड़े जोर ना। मेरी माँ कह लगी भी तू इन्ने पैसे कितों लैके आई है। मैं फिर अपनी माँ दस्या भी बहर हड़ताल ही इस करके मैं सवेर का काम करनी, तो मैं ता लिया। मैं उत्तों रख के जीव अपने जीवन के इन्ना काम किया भी मैं अपनी माँ को कभी किसी गलों नहीं रहा। मेरी एक भतीज ही मेरी भैन ही उन्होंने मैं अपने हाथी शादी की उन्होंने। 18 साल की उम्र में भोली की शादी हो गई, लेकिन पति नशेड़ी होने के कारण भोली ने उसे छोड़ दिया और टांगा चलाकर भोली ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और अपनी बेटी की शादी की और उसका बेटा अभी BCA की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन देर सवेर भोली की मेहनत रंग लाई, लोगों की बातों को नजरअंदाज कर आज भोली ने सफलता से हाथ मिलाया और भोली आज 3 गाड़ियों की मालिक है। भोली के पास अब खुद की 3 गाड़ियां हैं और वो आज भी खुद ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मैं अपना ब्याह कराया, पहले मेरे पहले टांगा मेरे पापा ही चलाते ही, मेरे वीर जी चलाते ही, दोनों को दो टांगे होंगे ही। छोटा वीर जी मेरा मझा रखी होंगी, पट्ठे पुट्ठे पाते होंगे। उन्होंने डैथ होने तो बाद मैं ये काम चुकया, क्योंकि मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं। जो मैं टांगा चलाया, मैं एक सरदार ही मेरे पिंड का, उन्हें मैंने पूछा भी कुड़िए भी जे तू बाहर निकल आई तो पिछे भौंगे नहीं वेखना। मैं पिछे भौंगे नहीं वेख्या, बड़े सामने होए, बड़ा कुछ लोगों ने बोलिया, मखौल भी करने, शराबी बंदे ने ठट्ठे भी करने, पर मैं कभी इस गल लिया नहीं। मैं कहती नहीं भी इन्हें अपने मूँह ना बोल के आप चुप कर जाना। मैं अगे नू देखा पिछे नू नहीं देखा। मेरी शादी हुई है 18-19 साल के, शादी हुई उस तो बाद नहीं करना पाया। चलो जीवन साथी थोड़ा बहुत काम करते ही, पर वह नशियां के ज़्यादा है इस गल का पता नहीं। जो नशिया के पै गए तो वो घर दीज़ा जीडिया वेचनिया शुरू करती ने। ये जो मैं कमा ये वह कमा दी जो मैं कमा दी मेरा भी जड़ी जान डा। मैं एक दोनों को कहा भी तुम अपना बेला करो, जिथे जाना चल जाओ, मैं नहीं थोड़े ना रहना। मेरा काका तो गुड्डी आ, बेटी ब्याहती है, बेटी के गाड़ी 2 बेटे आ, बेटे ने 12 कीतिया ने BCA कोर्स कंडिया कंप्यूटर का। फिर बिलो मेरे को टांगा होंगे ही, टांगे तो मैं बग्गी ली, बग्गी तो मैं 3 टायरी टेंपू पाया। हूँ मैंने परमेश्वर ने 2 गड्डियां दित्तियां ने, एक मेरे को क्वैलस गड्डी है, एक मेरे को मैजिक गड्डी है। मैं जनानी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जनानी को मेहनत करके अपने बच्चे पालने चाहिए। मैं बिल्कुल खुश, मकान मैंने खुदा ने दिता वा, मैं बना लिया मकान। शहर गईनीपुर आ के मैं शहर आ के जगह लैके मकान बनाया, वधिया मैं घर बनाया। परमेश्वर की दया नाल मैं जो खुदा को मंग रही हूँ मैंने खुदा देन दिया। मेरी यो हाथ जोड़ के बेनती है भैन गाड़ी भी मेरे वाले वेख के वेखो भी मैं मेहनत कित करनी, तुम भी उस हिसाब से मेहनत करो। जनानी की अगर नहीं कर सकती, जनानी बड़ा कुछ कर सकती। इतने साढ़े आए तो 20-25 साल से हो गए टांगे चलाते, तो अभी भी थोड़े छोटे ही तो अभी काफ़ी महसूस करते हैं भी आंटी आप ही टांगा चलाते हैं, तो इन्हों का जिदा घर का कोई परिवार होना चाहिए तो वह चला चाहिए। हाँ साढ़े मन के आते पर मखौल करते सारे गली वाले महल वाले भी जनानी टांगा चला रही आप ही बंद काम करती है, तो सानू महसूस होंगे भी। पर चलो अभी भी हूँ थोड़े के व्डे हो गए, थोड़ा सानू समझ आ गई भी इस चीज़ में संघर्ष में कैसे कि मेहनत करनी किदा करनी पैंती है, मजबूरिया करके जो कुछ हों सब कुछ। जिस टाइम टांगा चलाते उस टाइम तो ज़्यादा ही, हूँ तो चलो सारे तकरीबन सारे पता लग गया भी कई अपने भी पै जाती मुसीबत। संघर्ष तो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया जी, 25-30 साल तो वाद ही हो चले संघर्ष करते हूँ समय से, तो पूरा सानू फकर हों भी जनानी इस टाइम एक कामयाब अपने आप नीता उन्होंने अपना। यही बेनती है जे अजक मुंडे इन्हों लेडीज़ वाल देख के सगो उन्होंने भी चाहिए भी अपने आप भी जोश नशे वाले पास ध्यान चुक लैन, तो इदा मेहनत करन, जेडे यह जे होर भैन है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।